हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब लेट में। आज की हमारी वीडियो होने वाली है जेके एस एस बी की तरफ से एक नोटिफिकेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। इस नोटिफिकेशन जारी की गई थी 9 फरवरी 2022 में। इस नोटिफिकेशन बात करें कौन से डिपार्टमेंट रहेंगे और उसकी पोस्ट कौन सी दी गई हैं। इसमें बात करें सबसे पहले एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री के यहाँ पर 10 पोस्ट दी गई हैं। होम डिपार्टमेंट की यहाँ पर 30 पोस्ट रहेंगी और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की यहाँ पर 124 पोस्ट दी गई हैं। एआरआई ट्रेनिंग की 2 पोस्ट रहेंगी, 168 पोस्ट रहेंगी डिपार्टमेंट की। आगे हम बात करेंगे इस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी जॉब रहेगी उसके बारे में बात करेंगे और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा अप्लाई करने के लिए, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी उसके बारे में बात करेंगे फुल डिटेल में। वीडियो अच्छी लगी लाइक में जरूर करें। अगर हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जब भी कोई जॉब रिलेटेड बढ़िया अपडेट आए आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जॉब कौन कौन सी रहेगी उसके बारे में बात करें। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की जॉब रहेगी। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें ग्रेजुएशन फॉर एनी डिग्री आपके पास होनी चाहिए और साथ में इसमें मांगा गया है इसमें 65 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे हम बात करें जूनियर असिस्टेंट की, इसमें भी आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है एंड 35 वर्ड मिनट आपकी स्पीड टाइपिंग होनी चाहिए। उसके बाद नीचे हम बात करें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल्स की, इसमें भी आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए विद डिप्लोमा सोशल वर्क सोशलॉजी साइकोलॉजिकल एंड क्रिमिनोलॉजी यहाँ पर दिया गया है। फोर्थ नंबर पे हम बात करें रिटॉर्चर आर्टिस्ट की, यहाँ पर जॉब रहेगी। इसमें 10th पास इसमें अप्लाई कर सकते हो, सर्टिफिकेट साथ इसमें अपेयर हो सकता है। और इसमें ड्राइवर की बात करें इसमें भी आपका मिडिल पास, इसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास मिडिल पास, आप 12th एंड 12th पास इसमें अप्लाई कर सकते हो। नीचे ये जो जॉब रहती हैं, इस जॉब किस किस पोस्ट डिपार्टमेंट के लिए हैं उसकी नोटिफिकेशन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप नोटिफिकेशन देख सकते हो। उसके 25 से आगे आप पेज दिए हुए हैं, उसमें दिखाया गया है उसमें कौन से डिपार्टमेंट की किस में जॉब रहती है। नेक्स्ट हम एज लिमिट की बात करें, इसमें 18 से लेकर 40 ईयर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नीचे हम कैटेगरी वाइज बात करें, इसमें ओपन मेरिट के लिए इसमें 40 ईयर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नीचे हम एससी एसटी आरबीए एएलसीआईबी ईडब्ल्यूएस पीएसपी ओएससी 40 ईयर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए इसमें 42 का दिया गया है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको इस 48 ईयर का दिया गया है। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हो तो इसमें 40 ईयर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। साइड पे आप देख रहे हो इस तरह से कैंडिडेट वर्न यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप 1/1/1982 से लेके 1/1/2004 के बीच पैदा हुए हैं, इन डेट्स के बीच पैदा हुए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से इसकी डेट्स दी गई हैं साइड पे। नीचे हम बात करें सैलरी किस तरह से रहेगी। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की सैलरी की बात करें लेवल 6B का यहाँ पर 35,600 से लेके 1,12,800 के बीच का दिया गया है। जूनियर असिस्टेंट पोस्ट की सैलरी की बात करें लेवल 4 में यहाँ पर 25,500 से लेके 81,100 के बीच दिया गया है। फॉर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल्स की बात करें लेवल 6 की सैलरी रहेगी 35,700 से लेके 1,13,100 के बीच में है। फॉर रीटॉर्चर आर्टिस्ट ड्राइवर की बात करें इसमें लेवल 2 की सैलरी रहेगी 19,900 से लेके 63,200 के बीच में। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें फॉर पोस्ट इन्वॉल्विंग 2 स्टेज एग्जामिनेशन की बात करें इसमें फॉर जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी के लिए यहाँ पर 500 रुपया रखा गया है। फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यू ईएस के लिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 400 रुपया पे रखी गई है। फॉर पोस्ट इन्वॉल्विंग सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन की बात करें फॉर जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पर 400 रुपया रखा गया है फ़ी एंड फॉर एसटी एंड पीडब्ल्यू ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 300 रुपया रखा गया है। पेमेंट मोड ऑनलाइन रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें जेके एस एस बी वैकेंसीज ब्रेकअप कैटेगरी वाइज किस तरह से दी गई हैं। ओपन मेरिट जनरल वालों की यहाँ पर 93 वैकेंसीज रहेंगी, एससी की 26, एसटी की 11, ओएससी की कोई भी वैकेंसीज नहीं है, एएलसीआईबी की 3 देंगी है, आरबीए की 32, पीएसपी भी कोई वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस वालों की 3 देंगी है। नीचे हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें इसमें रिटन टेस्ट एंड आपका स्किल टेस्ट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आपकी क्या क्या चीज़ मांगी गई है, आपका पासवर्ड साइज कलर फोटो होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए और साथ में बात करें इसमें क्या रहेगा आईडी प्रूफ में आधार कार्ड वोटर आईडी ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड पासपोर्ट स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आईडी कार्ड
एम्प्लॉय आईडी कार्ड, गवर्नमेंट पीएसपी प्राइवेट, यहाँ पे इस तरह से इसमें डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। हाउ टू अप्लाई की बात करें, इसमें डेट्स किस तरह से रहेंगी, नीचे हम बात करें नोटिफिकेशन रिलीज़ इसकी 9 फरवरी 2022 में की गई है। स्टार्टिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लगना इसके 20 फरवरी 2022 में शुरू होंगे। लास्ट डेट इसकी रखी गई है यहाँ पर 20 मार्च 2022 को। इंपॉर्टेंट की बात करें इसमें विल बी अवेलेबल यहाँ पर 20 फरवरी 2022 को इसका लिंक अवेलेबल किया जाएगा। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हो और साथ में रीड भी कर सकते हो। क्लिक करिए और डाउनलोड कर लीजिए। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ये थी हमारी आज की अपडेट। वीडियो अच्छी लगी लाइक मैंने जरूर करें। अगर हमारे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जब भी कोई जॉब रिलेटेड बड़ी अपडेट आए आपके पास सबसे पहले पहुंचे।